ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। উত্তরপ্রদেশে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে সংঘর্ষে 8 পুলিশকর্মী নিহত। গতকাল গভীর রাতে কানপুরের কাছে শিবরাজপুরে ওই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত জানবো আমাদের প্রতিনিধি সঞ্জয় ত্রিপাঠি, এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। সঞ্জয় জি, ক্যা সূচনায় মিল রহি হ্যায় আবতক? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि विकास दुबे कानपुर जिले का कुख्यात अपराधी है और उसके खिलाफ 60 के आसपास मामले अभी तक दर्ज हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो मामला है वो शिवली थाने के भीतर भाजपा सरकार में राज्य मंत्री है संतोष शुक्ला का के कत्ल से जुड़ा हुआ मामला है। इसके अलावा सिद्धेश्वर पांडे प्रिंसिपल थे कॉलेज के, उसी के इलाके के शिवली के, उनकी हत्या का मामला है। ऐसे 5 दर्जन मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है और परसों यहाँ राजेश तिवारी नाम के एक शख्स ने उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का एक मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद बिल्लौर सर्किल का पूरा फोर्स, एक सर्किल ऑफिसर और साथ में 3 थानों का पूरा फोर्स, लगभग आप मान के चलें कि 30 से 35 पुलिसकर्मी उसको गिरफ्तार करने के लिए दबिश देने गए थे रात के करीब 1:30-1 बजे के आसपास। और कहीं से विकास दुबे को इस बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, सटीक सूचना मिल जाती है कि पुलिस टीम दबिश देने आ रही है उसको गिरफ्तार के लिए, जिसके बाद में विकास दुबे सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर हमला बोल देता है। अवैध और वैध दोनों तरह के असलहे विकास दुबे के और उसके साथियों के पास रहते हैं, उनसे पुलिस टीम पर हमला किया जाता है। इसके बाद में 8 पुलिसकर्मी अब तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें सर्किल ऑफिसर, थाना चौबेपुर के इंचार्ज, एक सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही हैं जो शहीद हो चुके हैं। विकास दुबे की घेराबंदी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एसटीएफ और आसपास के जिलों का तमाम फोर्स लगाया है, लेकिन फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अभी अभी ये जानकारी आई है कि पुलिस ने उसके 3 साथियों को एनकाउंटर में मार गिराया है और दावा किया जा रहा है कि ये तीनों जो मारे गए लोग हैं वे विकास दुबे के साथी हैं और लगातार टीमें दबिश दे रही हैं किसी तरीके से विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए। जो पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी हैं, जिनमें एडीजी येलो जो प्रशांत कुमार है वो मौके पर रवाना हुए हैं, इसके अलावा तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर रवाना हुए हैं, खुद डीजीपी भी लखनऊ से निकलने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पूरे इस मामले का अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरह की ये दुस्साहसिक वारदात उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में अंजाम दी गई है, उसमें आरोपी विकास दुबे और उसके जो साथी हैं जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, वो किसी भी सूरत में बचने नहीं चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ जो पुलिसकर्मी घायल हुए इस घटना में उनके समुचित इलाज की व्यवस्था करने के लिए भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। तो ये अब तक की जानकारी है और मुझे बताया जा रहा है कि 3 लोग जो भी मारे गए हैं उनकी शिनाख्त की जा रही है। जो लोग अभी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं वो काशीराम निवादा गाँव है, यहाँ पर उस वहां पर ये एनकाउंटर हुआ है, ताजा जानकारी है और इलाके को पूरी तरह पुलिस से सील कर रखा है, किसी को भी जाने आने फिलहाल नहीं दिया जा रहा है। शुक्रिया संजय जी।